हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं जाने वाली हूँ एक म्यूज़ियम देखने नहीं बट खाना खाने, एंड मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने इस जगह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिशेस देखी थी एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, एंड हेयर आई एम इन कैफे लोटा। सो आज का शाउट आउट जाता है तानिया को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। If you also want shout out like these on my video, then make sure to like, share and subscribe and hit the notification bell so that you get notified every time I upload a video. So, जैसे ही मैं कैफ़े लोटा एंटर हुई, मैंने सच में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आई थॉट कि ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एंड जो वॉल्स हैं इसके, उसमें भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने स्टोन्स यूज़ करे हुए हैं मिरर वाले, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ अ आम पन्ना, जिसका कलर तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ, हल्का सा टैंगी और स्वीट तो है। द ओनली थिंग जो मुझे लगा कि कमी है वो है कि ये हल्का सा ठंडा हो सकता था। कैफ़े लोटा आई हूँ और यहाँ की फेमस पालक पत्ता चाट तो खानी ही खानी है। सो इनकी पालक पत्ता चाट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, अनयूजुअल है। सो इसमें दही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी गई है, काफ़ी सारी सेव एंड पोमेग्रेनेट भी यूज़ करी गई है। जो इनका पालक पत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और दही के साथ काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग फीलिंग दे रहा है, और जो इन्होंने पोमेग्रेनेट दिया उससे भी काफ़ी अच्छा क्रंच आ रहा है। ओवरऑल मुझे तो यहाँ की पालक पत्ता चाट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी। ये यमी सी चाट खा के तो मज़ा ही आ गया। आफ्टर दैट आई थॉट कि मैं इनका म्यूज़ियम चेकआउट करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली 6 o'clock म्यूज़ियम बंद हो जाता है, सो मैं नहीं म्यूज़ियम इनका चेकआउट कर पाई। बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द म्यूज़ियम, देन मेक श्योर कि आप 6 o'clock से पहले आएँ। यहाँ पे मुझे और भी इनकी डिशेस ट्राई करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक अकेले इतना नहीं खा सकती। सो आई थॉट कि यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगी, सो दैट मैं और सारा फूड ऑर्डर कर सकूँ और सब रिव्यू हो जाएगा। और शायद मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सी कुजीन एंड कॉस्ट पर टू कितना है। सो कॉस्ट पर टू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200 INR, एंड द कुजीन द सर्व इज़ साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। सो यहाँ पे मैंने इनका ट्राई करा लेमन जिंजर एंड पेपर चिकन। सो यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा जिंजर स्प्रिंकल करा हुआ है ऊपर से। सो आई होप कि अच्छा होना चाहिए टेस्ट में। सो जैसे ही मैंने इसको टेस्ट करा विद द चटनी, सो ओकेश लगा मुझे चिकन, इतना भी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि और बेटर हो सकता था। मुझे इसका एग्जैक्टली नेम याद नहीं, बट आई गेस दिस वॉज आंध्रा स्टाइल चिली चिकन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कलर में है, क्योंकि चिली चिकन से मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती है। और इसके साथ एक साउथ इंडियन ब्रेड दे रखी है अप्पम। सो ओवरऑल अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो टेस्टी है, अच्छा है, बट आई स्टिल फील कि नॉनवेज में कैफ़े लोटा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई ट्राइड आर वेरी क्यूट, दैट इज़ रागी वड़ा पाव। देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड जो इन्होंने स्पाइसी चटनी दी हुई है उसको डाल के, और जो इनकी ग्रीन मिंट चटनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक टैंगी टेस्ट देगा। सो मेक श्योर करना कि अपने वड़ा पाव के अंदर ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली डालना, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड मुझे तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा है। अगली जो चीज़ है वो है रागी पनीर ढोकला, एंड इसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को इसको ट्राई करते हुए देखा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, आई डोंट नो वाई, बट कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अगली भी जो चीज़ है वो मैंने मंगाई है स्टार्टर्स में से, एंड दैट इज़ मटन समोसा। काफ़ी ही ज़्यादा क्यूट से दिखने वाले मटन समोसा है, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर जो फिलिंग है उसमें लग रहा है कि मटन है, थोड़ा सा कोरिएंडर एंड बेसिक जो अपने स्पाइसेस होते हैं वो। इनकी जो ग्रीन चटनी है उसके अंदर इस समोसे को डिप करके तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा है, एंड आई डेफिनेटली रेकमेंड दिस। इतनी गर्मी और ड्रिंक्स ऑर्डर ना करें ऐसा हो नहीं सकता। सो वी ऑर्डर मसाला छाछ एंड अंबादी आइस टी। सो मेन कोर्स में मंगाया हमने बेसन के गट्टे, जिसके अंदर पूरी एक कटोरी है गट्टे की सब्ज़ी की, उसके साथ है कुरकुरी भिंडी जिसके ऊपर काफ़ी स्पाइसी मसाला स्प्रिंकल हो रखा है, और उसी के साथ ट्रेडिशनल होल व्हीट फ्लैट ब्रेड।
इनकी गट्टी की सब्ज़ी की शक्ल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आई एम श्योर खाने में भी टेस्टी होगी। जो ये ट्रेडिशनल होल व्हीट ब्रेड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनती है। सरप्राइजिंगली इस फ्लैट ब्रेड के साथ गट्टे की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अगर मैं सिर्फ गट्टे की सब्ज़ी की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। इवन तो गट्टे का साइज़ थोड़ा छोटा है बट काफ़ी अच्छे से कुक्ड है। और जो इनकी कुरकुरी भिंडी है वो काफ़ी फाइनली चॉप्ड है, उसके ऊपर जो मसाला स्प्रिंकल करा हुआ है उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है कुरकुरी भिंडी। ओवरऑल मुझे इनका ये गट्टे की सब्ज़ी का प्लेटर बहुत अच्छा लगा। और एंड में इन सब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्डर करी है फिल्टर कॉफ़ी, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ओवरऑल मुझे यहाँ के स्टार्टर्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे। माई रिकमेंडेशंस आर पालक पत्ता चाट फॉर श्योर, मटन समोसा, रागी वड़ा पाव भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, और उसके बाद सबसे एंड में गट्टे की सब्ज़ी। आई पर्सनली फील कि यहाँ पे जो इनका नॉन वेज सेक्शन है वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कुकिंग, बट उसके अलावा मुझे ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड डेफिनेटली यू शुड कम विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी एंड दैट इज़ यहाँ पे हर एज ग्रुप आपको मिलेगा। ओवरऑल मुझे तो ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी फॉर इट्स फूड एंड स्पेसिफिकली फॉर इट्स स्टार्टर्स, सो यू शुड ऑल्सो कम हेयर एंड ट्राई। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।